इस वीडियो में हम बात करेंगे बस बार और बस कपलर। हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के बहुत ही बेसिक टर्म है, लेकिन इनको समझना ही बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जैसे कि बस बार होती क्या है, इसके बस बार सिस्टम्स के टाइप्स क्या होते हैं, बस बार के कितने टाइप्स होते हैं, बस कपलर क्या होता है, बस कपलर लगाने का पर्पस क्या होता है और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं बस बार, बस कपलर और चेंज ओवर स्विच में। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बस कपलर और चेंज ओवर स्विच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बस बार? बस बार होता है, या तो कंडक्टर्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करते हैं, मतलब हमारी जो पावर सिस्टम में से इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करते हैं इनकमिंग से और सप्लाई करते हैं आउटगोइंग फीडर्स में। इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना पावर सप्लाई को। ये हमारे एक बस बार दिखा रखे हैं अलग अलग फेसेस के। यहाँ पे देखिए पूरी एमसीसी के अंदर इस तरीके से बस बार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये एमसीसी भी लगी है, कहीं से इनकमिंग आ रही है यहाँ से और यहाँ पे आउटगोइंग निकल रही है। ओके, ऐसे ही हमारा कंट्रोल बस बार भी होती है। ये कंट्रोल बस बार है एमसीसी में और यहाँ पे ये पीसीसी की बस बार है। जैसे कि ये तीन बस बार दिखाई हुई हैं, आर, वाई और बी, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स यूज हुए हैं और उसको इन सबको इकट्ठा करके ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स को कलेक्ट करके बनाया है पूरा बस बार सिस्टम। ये एच टी और एल टी में इनकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जैसा कि हमें पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बस बार सिस्टम्स आर अवेलेबल? देखिए बेसिकली तीन टाइप के बस बार सिस्टम्स हैं। यहाँ पे बस बार टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, बस बार सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। एक होता है हमारा ये सिंगल बस बार सिस्टम है, उसके बाद हमारा डबल बस बार सिस्टम है और रिंग बस बार सिस्टम है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? सिंगल बस बार सिस्टम में एक ही बस बार यूज़ की हुई है और उसके आगे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अपने हिसाब से, सर्किट ब्रेकर्स लगा रखे हैं और आगे लोड कनेक्ट कर रखा है या ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर रखा है। इसको हम बोलते हैं सिंगल बस बार सिस्टम, जहाँ पे हमने एक ही बस बार से पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सिस्टम में। सेकेंड केस है जब हमने डबल बस बार सिस्टम यूज़ किया है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, दो बस बार यूज़ की हैं, एक एल वी एक एच वी। एच वी बस बार जो है हमने ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमने इनकमिंग सप्लाई दे रखी है और एल वी में हमने जनरेटर के थ्रू सप्लाई दे रखी है, लेकिन ये पूरे बस बार सिस्टम में जो हमने कलेक्ट कर रखा है उसको हम बोलते हैं डबल बस बार सिस्टम। अगर यहाँ पे ट्रांसमिशन सप्लाई हमारी जो फेल होती है उसके बाद हम डी जी को यूज़ करके ये पूरी बस बार को चार्ज कर सकते हैं, चाहे तो इस बस बार को भी चार्ज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। इसको हम बोलते हैं डबल बस बार सिस्टम। ऐसे ही हमारा थर्ड सिस्टम होता है रिंग बस बार सिस्टम। रिंग बस बार सिस्टम में एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगा है, दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा है। सी बी वन और सी बी टू, दो ब्रेकर यहाँ यूज़ किए हैं, दो ब्रेकर यहाँ यूज़ किए हैं। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। अगर हम कहीं से भी फीड कर रहे हैं तो सी बी वन और सी बी टू एक एक लाइन में लगा रखे हैं, तो इन दोनों ब्रेकर को ये वाला ट्रांसफार्मर फीड कर रहा है, इन दोनों ब्रेकर्स के थ्रू ये ट्रांसफार्मर को फीड कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं रिंग बस बार सिस्टम। अब हम बस बार के टाइप्स देख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल जो भी हम बस बार में यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज स्टील, आयरन स्टील, सिल्वर स्टील, डिपेंडिंग अपॉन द एम्पियर करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं और इनके एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे कि पैनल में यूज़ करते हैं कॉपर एल्युमिनियम, इनका जो है 1.2 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर कॉपर का है, 0.8 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर एल्युमिनियम का कैपेसिटी है। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि 1 एमएम का कॉपर लिया हमने और फिर उसका एक स्क्वायर बना दिए, 1 एमएम इधर है और 1 एमएम इधर है, तो इसका मतलब ये जो एरिया है इतने एरिया में 1.2 एम्पियर तक करंट ये कैरी कर सकता है। ये होता है कॉपर का करंट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब। सिमिलरली एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज स्टील, आयरन स्टील और सिल्वर स्टील के ये कैपेसिटी के हैं। सबसे ज़्यादा 1.6 एम्पियर सिल्वर का है, बट इसकी कॉस्ट हाई होती है इसलिए इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बस कपलर? देखिए बस कपलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे पावर सिस्टम में यूज़ होता है। नेम सजेस्ट करता है बस और कपलर, मतलब कि ये जो मैंने भी बस की बात करी है, ये बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे में। ओके, और इन दोनों को कपल करने का काम जो करता है वो होता है बस कपलर, और इसको हम बोलते हैं एक ब्रेकर है जिसको हम येलो कलर से पेंट करते हैं बस कपलर को हमेशा, ये स्टैंडर्ड है। तो इस बस कपलर के थ्रू ही हम ये दो बसेस को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है एक ट्रांसफार्मर से,
ये ट्रांसफार्मर वन है, ये ट्रांसफार्मर टू है। किसी भी रीज़न से ये ट्रांसफार्मर अगर ऑफ हो जाता है तो ये वाला जो है पूरी सप्लाई यहाँ पे रिज्यूम है, बट इसके इधर जो हमने यूज़ कर रखा है लोड, इसके इस तरफ जो लोड यूज़ कर रखा है वो तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ हम कैसे रिज्यूम करेंगे, वो हम रिज्यूम करेंगे इस बस कपलर के थ्रू। जैसे ही हम इस ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ये जो बस है ये कनेक्ट हो जाएगी आपस में और आगे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे सप्लाई बंद रहेगी। टेक्निकल लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं तो बस कपलर इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम बस वन बस टू अनदर इन केस ऑफ ओवरलोडिंग, जैसा कि अभी बात करी है। ऐसे ही केवल एक ही नहीं, दो या तीन ट्रांसफार्मर से सप्लाई अगर आ रही है तो भी हम यहाँ पर बस कपलर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, कपलर कैन बी यूज टू प्रोवाइड सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट बस बार बाई डिफॉल्ट। इन केस इट फेल्स देन इट विल कट ऑफ द फर्स्ट वन एंड टेक द सप्लाई फ्रॉम द सेकेंड वन। जैसे रिमेन डिसकनेक्टेड फॉर सम टाइम, इन दिस केस द टू बस बार विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द बस कपलर। हमारा बस कपलर ऑफ है तो ये दोनों ब्रेकर डिसकनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से ऑफ की कंडीशन में। देखिए बस कपलर का एक इंपॉर्टेंट यूज़ यहाँ भी होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा DG का ब्रेकर है और ये हमारा ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है हमारी ट्रांसमिशन लाइन से। ओके, यहाँ पे सप्लाई मान लीजिए किसी भी रीज़न से कट ऑफ हो जाती है, ये ब्रेकर हो गया ऑफ, लेकिन DG हमारा ऑन है तो ये हम सप्लाई रिज्यूम कर देंगे जैसे भी बात करी है। बट अगर मान लीजिए कि हमने DG बंद करना भूल गए हैं, ओके, और यहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन की सप्लाई भी हमने रिज्यूम कर दी है, अगर बस कपलर ऑफ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बस कपलर ऑन रहा तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा हजार्डियस केस हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, दोनों सप्लाई आपस में भिड़ जाएंगी। किस किस की सप्लाई, ट्रांसमिशन लाइन और DG की सप्लाई, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं हम इस सिस्टम में, लेकिन एक बार तो फ्लैश हो ही जाएगा। ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बस कपलर को ऑन ऑफ करने की कंडीशन में जब हमारी सप्लाई ग्रिड से कटती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बस कपलर। देखिए बस कपलर जो अभी बात करी है ये यहाँ पे लगाया हुआ है बस कपलर, फीडर बस वन फीडर बस टू, ये मोटर पे दिया है, ये हीटर पे दिया है, लाइटिंग, ये AC, यहाँ पे एक बस है यहाँ पे दूसरी बस है। तो बस कपलर का काम यही होता है कि मान लीजिए कहीं अगर लोड बढ़ भी रहा है तो हम इस बस कपलर को ऑन करके लोड शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो मेन पर्पस बस कपलर के तीन होते हैं। पहला तो लोड कनेक्ट करना एक दूसरे से अगर इन केस ऑफ ओवरलोडिंग के केस में, दूसरा लोड शेयरिंग में भी काम आ सकता है, तीसरा कहीं हमारी सप्लाई अगर फेल होती है तो DG के थ्रू भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मेन काम यही है कि ये दोनों बस को कपल करता है आपस में, इसलिए इसको कहते हैं बस कपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बस बार बस कपलर एंड चेंज ओवर स्विच। देखिए ये है बस बार और हमें पता है कि ये बस बार जो है आगे जा करके क्या होती है, कपल होती है दूसरे ब्रेकर से। कहीं भी अगर मान लीजिए दो बस बार आ रही हैं, ये बस बार है, ये कपल करी है हमने बस कपलर के थ्रू, तो ये तो हमारी हो गई बस बार जिसको हम सप्लाई जो लेके जा रही है। ओके, बस कपलर क्या करता है, दोनों बस बार को कनेक्ट करता है आपस में, लेकिन चेंज ओवर स्विच का अलग ही केस है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सप्लाई आ रही है हमारी ग्रिड से, यहाँ पे आ रही है हमारी DG से। ओके, और यहाँ पे हमने लगा रखा है चेंज ओवर स्विच और यहाँ पे हमने दे रखा है अपना मोटर को कमांड। अब ये अगर सप्लाई मान लीजिए हमने नहीं चाहिए ग्रिड की, कोई हमने शटडाउन लेना है, तो हम यहाँ पे चेंज ओवर स्विच को इस तरफ कनेक्ट कर देंगे और हमारी सप्लाई DG से कनेक्ट हो जाएगी। या फिर अगर DG, अगर ये ग्रिड हेल्दी हो गया है तो DG को बंद करने के लिए हमें एक तरफ कनेक्ट इससे कर देंगे, बट एट ए टाइम एक ही सप्लाई हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये होता है चेंज ओवर स्विच का काम। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा। थैंक यू।